आपका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं कि बाहर इतनी गर्मी और बावजूद आपने फंड लगाया कि चलो चल के देखते हैं, चल के देखते हैं कि साहब क्या कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ आने के बाद। मन में बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि आपको फोन के माध्यम से बुलाया गया होगा, आपको किसी मित्र के माध्यम से बुलाया गया होगा, आप एक उद्देश्य को लेकर के, आप एक सपना को लेकर के आप मुखर्जी नगर आए हैं, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा अपना एक उद्देश्य क्या होता है कि अगर हम एक अच्छी कोचिंग संस्थान में हमारा एडमिशन हो जाए तो हम सफल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो सारे लोग आज सफल हो गए होते, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो कुछ विशेष उद्देश्य के लिए आप सभी भाइयों को बुलाया गया है। अपनी बात मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले हम चाहते हैं ये जो प्रोग्राम का शुरुआत हुआ है उस परम चेतना के माध्यम से, उस सुपर चेतन के माध्यम से ये प्रोग्राम का शुभारंभ होने जा रहा है, तो हम अपनी बातें आप सबके बीच में रखें, उससे पहले उस सत्ता को हम याद करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं सभी भाई एक बार अपनी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में कर लें, नेत्र बंद कर लें, एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार फिर से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी भाइयों का, हमारे सारी बहन सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप इतना बहुमूल्य समय निकाल करके आप यहाँ तक आए हैं। आपके मन में जो वो एक सवाल आ रहा होगा कि इसका क्या उद्देश्य था, आपको बताया गया होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स होने जा रहा है, आप आइए और यहाँ आने के माध्यम से आपको एक, आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन होगा, एक ऐसा परिवर्तन होगा जो शायद आपने आज तक वो महसूस नहीं किया होगा। ये आप ये मान के चलिए कि ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं होने जा रहा है। आज तक हम लोग समझते आए हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का मतलब होगा कुछ इंग्लिश सिखाया जाएगा, कुछ ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना सिखाया जाएगा, कुछ अमेरिकन एक्सेंट में बोलना सिखाया जाएगा, थोड़ा हम एडवांस हो जाएंगे, थोड़ा और मॉडर्न हो जाएंगे। पहले जो है जींस पहन के चलते थे, अभी और छेद करके चलेंगे तो और मॉडर्न हो जाएंगे और थोड़ा हमारा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपके मन में यह आ रहा हो कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो चलते हैं, शायद कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए वहां कि हमारा कम मेहनत में काम चल जाए। तो अगर ये बात आप मन में लेकर के आए हैं तो ये भी बात आप बाहर निकाल करके आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके मन में ऐसा हो सकता है, जैसे कि जनरली क्या होता है कि जब आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जनरली हम बहुत माइंडली ऑब्जर्व करते हैं अपने भाइयों को, तो हम क्या देखते हैं कि वो जब मंगलवार का दिन होता है तो हनुमान जी के मंदिर में भीड़ बढ़ जाता है, शनिवार को जो है शनि भगवान के मंदिर में भीड़ बढ़ जाता है। तो सबसे हम लोग बातचीत करते हैं, युवाओं से मिलते रहते हैं, प्रयास करते हैं इनके दर्द को समझने का कि दर्द क्या है आखिर भाइयों का। तो जब वहां जाते हैं और बातचीत करते हैं तो ये देखते हैं कि एग्जाम नजदीक आ गया, एकदम प्रेशर में आए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब एक ही उपाय दिख रहा है कि चलो हनुमान मंदिर, चलो चलते हैं कुछ उपाय हो जाए। और जब वहां जाते हैं तब जाकर के सेटिंग होता है हमारा, उस भगवान के साथ हमारा सेटिंग होता है, जो पूरे दुनिया को चलाते हैं उसको हम अपने अनुसार से चलाते हैं, जैसे हम वैसे हमारे भगवान सेट करते हैं। वो मकसद भी है ना हमारा कि आईएएस बन जाएंगे तो शायद मुखर्जी नगर से निकलते निकलते हम करोड़पति बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है। जब आईएएस बन जाएंगे तो वहां पिताजी हमारे तैयार होंगे कि बेटा हमारा आईएएस बन गया है, अब इसको जो है बोली लगाएंगे। आप जो भाई गांव से आए हैं और विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं तो उनके मन में एक होता है कि हमारा बेटा आईएएस बन जाएगा उसके बाद इनका बोली लगेगा। आज मैं बताऊं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और वहां मैं देखता हूं कि जिनके बेटे आईएएस बन जाते हैं तो घर के आगे एक दरवान बिठा देता है, और जब लड़की वाले आते हैं तो उससे पहले पूछा जाता है कि क्या रेट है भाई साहब,
तो बोलेगा 50 से ऊपर है तो एंट्री देंगे आपको बात करने का, नहीं तो नहीं देंगे। तो आज जो है, आज हम, हमारा व्यक्तित्व क्या हो गया है, हमारा व्यक्तित्व आज बैल वाला हो गया है, बैल को बेचते हैं। तो यहाँ जो आपको बुलाया गया है वो कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। ये हम गारंटी देते हैं आपको कि अगर ठीक ठीक आप ये 5 क्लास अटेंड कर लेते हैं, आपका जीवन 180 डिग्री से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये बात जरूर है कि हम यहाँ से सलमान खान की तरह बॉडी बनाने का टिप्स नहीं देंगे आपको, ये बात श्योर है। ये बाहरी व्यक्तित्व की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, हम उस व्यक्तित्व की बात करेंगे भाइयों, जैसा व्यक्तित्व। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। एक समय ऐसा था कि जैसे आप लोग आज मुखर्जी नगर आए हैं, क्रेज है कि IAS बनना है। अगर गांव में किसी का सपना पलता है कुछ बड़ा करने का, तो वो कहता है IAS बनेंगे। तो जब IAS बनने का सपना पलता है तो हमारे पिताजी बहुत एफर्ट लगा करके हमको यहाँ तक भेजते हैं, यहाँ तक भेजते हैं हमको। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम वो सपना लेकर के तो आए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम उस लक्ष्य को सही से हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट हमारा ऐसा डिस्ट्रैक्शंस आ जाता है कि हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे दिन दर दिन बीतता चला जाता है, महीने दर महीने बीतता चला जाता है, साल दर साल बीतता चला जाता है, और हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है भाई? इसका कारण ये है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका मन था कि हम IAS बनेंगे, उस समय जिस समय हमारा देश गुलाम हुआ करता था, उस समय सबके मन में पलता था कि हमारा बेटा बैरिस्टर बनेगा, पलता था कि नहीं, हमारा बेटा बिलायत जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, जैसे गांधी था, वो भी बिलायत जा करके वो बैरिस्टर बनके दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, और जब पहला केस वो लड़े थे तो उनका स्थिति और सिचुएशन ऐसा था कि उनके मौकिल जो थे उनका कालर पकड़ के उससे पैसा ले लिए, उनका पैर कांपने लगा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जज से कैसे डिस्कस करना है। उस गांधी में इतना क्षमता, इतना ताकत कहां से आ गया कि जब विदेश से कोई बायस राय इंडिया आता था, उसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि आप जा तो रहे हो इंडिया, आप जा तो रहे हो भारत, लेकिन उस गांधी से आंख में आंख मिलाकर बात मत करना, क्योंकि आंख में आंख मिला के बात करोगे तो पता नहीं क्या जादू है उसमें कि आप उसी के मन के रह जाओगे। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व थे, वो भी IAS का तैयारी करते थे, बने थे IAS, वो भी कहीं मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा ऐसा उनका मामला, तो उनका भी सपना था। तो वो सुभाष चंद्र बोस क्या थे कि उनको दर्द था देश के प्रति, उनको लगता था कि ये देश गुलाम है, अभी मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, आपको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो इनकलाब जिंदाबाद करते रहता है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग को भी कहते हैं हमारे पिताजी, तुमसे लगता नहीं है हो पाएगा, घर से फोन आता है कि समय बीता जा रहा है, बाल उड़ रहा है तुम्हारा, शादी कब होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है, तनाव में रहते हैं। उनके पिताजी भी तनाव में थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि हम देश के दर्द को लेकर के और पढ़ाई को लेकर के उन्होंने अचीव किया, और वो टॉपर बने, 4th रैंक आया था उनका ICS में। इसी तरह से महर्षि अरविंद थे, महर्षि अरविंद 24 बार गोल्ड मेडल लिए थे कैम्ब्रिज से। अगर आपने जीवनी नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़िए उनकी जीवनी को। कहने का मतलब ये है भाइयों कि आप, हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, हम जिस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, वो अंदर की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर की पर्सनैलिटी जाग गई, विश्वास मानिए आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये गारंटी आपकी नहीं ले सकता कि आप IAS कम्पीट करेंगे नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर लेता हूं कि अगर ये आप 5 क्लास आप अटेंड कर लिए तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपका झंडा फहरेगा, आपका झंडा लहराएगा, और आप उस मुकाम को अचीव करेंगे जिसकी कल्पना आज तक आपने नहीं की। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या होता है कि जब आप IAS की इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक पहला क्वेश्चन जो आता है कि हम क्यों IAS बनना चाहते हैं। मेरी बात हो रही थी जो UPSC के टॉपर हैं गौरव अग्रवाल जी, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमको इतना टेंशन नहीं था इंटरव्यू का, लेकिन एक क्वेश्चन का टेंशन था हमको कि अगर ये क्वेश्चन हमसे निकल जाएगा कि आप क्यों तैयारी करना चाहते हैं, अगर इसका ठीक ठीक हम जवाब दे दिए तो हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि उनका 2 बार इंटरव्यू हुआ और दोनों बार 206 मार्क आए, दोनों बार लगातार। वो आप
हमेशा चिंतन करते रहते थे कि जैसे हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं जाकर के हम समाज सेवा करना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, और भी कुछ कुछ तैयार करके जाते हैं, लेकिन हमारे दिल में पता नहीं जो भी बैठा हो हमको लगता है कि ठीक है एक बार बनने तो दो, फिर बताएंगे कि क्या होता है IAS, फिर बताएंगे, वो अंदर में नहीं आ पाता है ना, तो रेप्लिकेट नहीं हो पाता है। तो गौरव अग्रवाल से हम पूछ रहे थे कि मतलब क्या है, तो बोले उसके लिए हमको बहुत दिन लगा, बहुत चिंतन करना पड़ा, बहुत थिंकिंग करना पड़ा, जब हमारे अंदर में वो चीज उतर गया तब हमको लगा कि अब हमारा सवाल निकल जाएगा, और वो निकल गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को भी ढूंढना है, चाहे आप लोग भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है साहब। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये PDC का आप 5 क्लास आप कर लेंगे, आपका ये आंसर मिल जाएगा। अब इसके लिए आंसर नहीं मिलेगा कि आपको इंटरव्यू में जवाब देना है, इसके लिए नहीं, आपको पूरे जीवन का बुद्धि सुलझ जाएगा, आप विश्वास मानिए। एक चीज आप जानते हैं और सुनते होंगे और पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि जो बड़े तपस्वी लोग होते थे, ऋषि लोग होते थे, वो जाकर के तपस्या करते थे, वो हिमालय में जाके, हिमालय की गुफाओं में जाकर के तपस्या करते थे, और वो क्या कहते थे जब उनसे पूछा जाता था कि आप क्या करते हैं जाकर से उस गुफा में, तो वो कहते थे कि हम आत्मज्ञान की खोज कर रहे हैं, ठीक है साहब। कुछ ऐसा ही है आप लोगों के साथ, आप लोग भी एक विशेष तपस्या करने के लिए आए हैं। आप ये मत सोचिए कि चलिए ठीक है बस तैयारी करना था और हम यहाँ आ गए, इसके लिए नहीं है, आप एक तपस्या करने के लिए आए हैं। आप ये अनुभव करके मुखर्जी नगर में रहिए कि जैसे माँ के गर्भ में लोग होता है, तो माँ के गर्भ में उसको किसी डिस्ट्रैक्शन का पता होता है क्या? कोई डिस्ट्रैक्शन का पता नहीं होता है, और जब वो माँ के गर्भ में होता है तो सारे डिस्ट्रैक्शन से बच के, और उसके बाद जो वो निकलता है, माँ को भले से वो पीड़ा होता है, असह्य पीड़ा होता है, जब वो निकलता है तो कितनी खुशी होती है। तो कुछ ऐसा ही है भाइयों कि हमारे जीवन में ऐसा है कि आप इस दो चीज जो हम बताने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन अगर आंसर ढूंढ लिए आप, तो आप समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। पहली बात यह है कि आप ये ढूंढिए, आपको ये ढूंढना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है साहब, आपको ये ढूंढना है। टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई इशू नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य ये नौकरी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आपके जीवन का उद्देश्य। दो तरह की बातें होती है साहब, अगर आपको जीवन जीना है तो इन कुछ सूत्रों को आपके अपने जीवन में अपनाना होगा, और अगर आपको जीवन काटना है तो दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, फिर ठीक है, आप संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, और किसी तरह से आप देखेंगे आप जो है धीरे धीरे जो है किसी तरह से आप नौकरी भी ले लेंगे। नौकरी लेने के बाद आपकी होगी कि चलो साहब एक अच्छी लड़की मिल जाए, चाहे एक अच्छी लड़की है तो उसको एक अच्छा लड़का मिल जाए, ये उद्देश्य रहता है। मेन खेल तो उसके बाद स्टार्ट होता है, जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि अगर आपको जीवन जीने की कला नहीं आई तो क्या होता है सिचुएशन, ये मैं बेहतर जानता हूँ। पहले आप देखते होंगे कि जो हमारे माँ होते थे, पिताजी होते थे, उनका जीवन जो है बहुत अच्छे से, बहुत सामंजस्य से चलता था, लेकिन अब देखने को नहीं मिलता है। अब बहुत कम ही होता है कि ये सामंजस्य हमको कहीं कहीं देखने को मिल जाए। 50% केस ऐसा होता है कि पति को पत्नी से प्रॉब्लम है, पत्नी को पति से प्रॉब्लम है, और पूरे जीवन हमारा ऐसा हो जाता है कि वो दिन रात जो है पेट के लिए और प्रजनन के लिए, यही दो चीज हमारा उद्देश्य रह जाता है, और पूरा हमारा जीवन खत्म हो जाता है। आप विश्वास मानिए कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है इसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य है, इसके पीछे एक विशेष एक कारण है। हमारे बीच में धर्मेंद्र सर आ गए हैं, हम जोरदार ताली से जो है उनका स्वागत करते हैं। भाइयों बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हमारे धर्मेंद्र सर मौजूद हैं, हम चाहते हैं सर सीट ग्रहण कर लें, और मैं बात करूंगा और मैं आपसे मिलता रहूंगा इस